रखे देख रहा हूँ कुछ नहीं। अरे मौसम बना रहा है क्या? अरे नहीं, अरे शादी की वीडियो देख रहा हूँ। शादी की वीडियो है तेरी? शादी की? चल चल थाने, चल चल नहीं, अरे चल थाने। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कुछ सीरियस टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉर्न के बारे में। दोस्तों पॉर्न सुन के ही आप लोगों के कान खड़े हो गए होंगे और आप लोग बड़े इंटरेस्ट से ये वीडियो देखने वाले हो, मुझे पता है। तो भाई मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूं कि पॉर्न देखने का सबसे ईजी तरीका कौन सा है, या पॉर्न कौन सा VPN लगा के देखना चाहिए, या पॉर्न देखने का सबसे सेफेस्ट तरीका कौन सा है, ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। बेसिकली अभी मैंने थोड़े टाइम पहले एक न्यूज़ पढ़ी और न्यूज़ पढ़ते ही मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया। मतलब उस न्यूज़ में लिखा हुआ था कि यूपी गवर्नमेंट बेसिकली एक नई चीज़ बोली है। यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर किसी भी एरिए में कोई रेप हो जाता है तो यूपी गवर्नमेंट उस एरिए में छानबीन करेगी और लोगों के मोबाइल फ़ोन से पता लगाएगी कि किस किस ने हाल फिलहाल में पॉर्न देखी थी और उन सभी लोगों को उठा लेगी। ये क्या लॉजिक हुआ? मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात का। ये बहुत ही मतलब वादा करने के लिए कुछ भी वादा कर देते हैं ना गवर्नमेंट, तो ये वही वाली बात हो गई। कुछ भी बोलने को बोल दिया है, कोई मतलब नहीं बनता इस बात का। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मोहल्ले में अगर 10 लोगों ने मिलकर पॉर्न देखी है तो मतलब वही लोग रेपिस्ट होंगे। जो लोग पॉर्न नहीं देख रहे क्या वो रेपिस्ट नहीं होंगे? आप लोगों को थोड़ा डेटा और एनालिटिक्स बताता हूँ। बाहर के कल्चर में मोस्टली वेस्ट में पॉर्न को ज़्यादा देखा जाता है। पॉर्न का इंडस्ट्री भी वही है, वहीं पर बनती है, वहीं पर लोग ज़्यादातर देखते भी हैं। इंडिया में तो फिर भी काफ़ी साइट्स बैंड हैं, लोग VPN लगा के देखते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन मोस्टली तो वेस्ट में ही होता है ना ये सब। वहीं इंडस्ट्री है पॉर्न की, वहीं ज़्यादा सब देखा जाता है, वहीं ज़्यादा की शूटिंग होती है। वहां इतने रेप्स क्यों नहीं होते जितने रेप्स इंडिया में होते हैं? ये तो कभी सोचा है आप लोगों ने? इंडिया में तो बैन है ना, इंडिया में तो हमने ये सब चीजें बंद करके रखी हुई है। इंडिया में तो ये सब चीजें गंदी मानी जाती है ना, इस वजह से हमने रोक के रखी है, कोई देख ना पाए, साइट्स वगैरह बैन करके रखी है। फिर इंडिया में रेप क्यों होते हैं और बाहर रेप क्यों नहीं होते हैं? ये थोड़ा सोचने वाली बात है भाई। मैं इस पर अपनी तरफ से कुछ जजमेंटल नहीं बनना चाहता हूँ, कोई आप लोगों को इसका कंक्लूजन नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये सोचने वाली बात है जो आप लोगों को सोचनी चाहिए। बाहर रेप ज़्यादा नहीं होते हैं, इंडिया के कंपैरिजन में बाहर का रेप का रेशियो बहुत कम है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और इंडिया में 30-40% जो पॉर्न देखी जाती है ना वो औरतें देखती हैं, वो विमेंस देखती हैं। 30-40% पॉर्न इंडिया में विमेंस कंज्यूम करती हैं, जो भी पॉर्न का मटेरियल होता है। तो उन्हें भी तो पकड़ो, वो रेपिस्ट नहीं हो सकती क्या? मतलब ऐसा कभी आप लोगों ने सुना है कि किसी विमेन ने किसी मैन का रेप कर दिया है? ऐसी तो कभी कोई कंप्लेंट सुनी नहीं होगी आप लोगों ने। और पॉर्न सबसे ज़्यादा वही देख रही है, मतलब 30-40% इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ रेशियो भाई। आउट ऑफ 100% बहुत ज़्यादा परसेंटेज है औरतों का जो पॉर्न देख रही है ऑनलाइन इंडिया में, तो क्या वो रेपिस्ट नहीं हो सकती? तो यार ये बहुत ही ख़राब और घटिया लॉजिक लगा मेरे को कि जो भी पॉर्न देखेगा उसको उठा के अरेस्ट कर लिया जाएगा और पुलिस स्टेशन में जाके पूछताछ करी जाएगी और मतलब अपनी तरफ से मान लिया जाएगा कि यही रेपिस्ट है। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसे रेप कंट्रोल नहीं होने वाले इंडिया में, और ये बहुत घटिया चीज़ है। इंडिया में अगर आप लोगों को रेप कंट्रोल करने ही हैं तो अपने कानून स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे, लोगों को सज़ा जल्दी देनी पड़ेगी, कोर्ट थोड़े और आप लोगों को जो डिसीजन है वो फास्ट ट्रैक पर लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब किसी को भी उठा लोगे कि सिर्फ उसने पॉर्न देखी है ये वजह से। पॉर्न देखना वही मतलब अपने घर में बैठ के अपने फ़ोन में अब कुछ देख भी नहीं सकता, और अगर अब कुछ देख भी लिया गलती से तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये कौन सी बात हो गई, ये कौन सा लॉजिक हो गया, ये मेरे को बिल्कुल समझ से बाहर है भाई। भाई मैंने ये सब चीज़ें बोल दी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पॉर्न को प्रमोट कर रहा हूँ या पॉर्न देखना बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, बस मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी यूपी गवर्नमेंट ने बोला है वो काफ़ी गलत बोला है और काफ़ी बेसलेस और सेंसलेस चीज़ बोली है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। बाकी पॉर्न देखना ना देखना वो आपके ऊपर है, उसमें मैं कोई नहीं होता और तीसरा कोई बंदा कोई नहीं होता आपको बताने वाला। आपको देखनी है देखो, नहीं देखनी मत देखो। हमारे मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। कहां से देखनी है आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, समझ रहे हो? अगर जो लोग देखते हो तो आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, ऑब्वियस ही बात है भाई। तो देखना ना देखना वो डिसीजन आपका है,
मेरा नहीं है उसमें कुछ, और मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ पवन को, बस एक न्यूज़ थी जो मुझे कवर करनी थी, मुझे लगा था मुझे अपनी ओपिनियन इस पे देनी चाहिए क्योंकि मेरे को न्यूज़ पढ़ के काफ़ी अजीब सा लगा था यार, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आजकल वेब सीरीज़ के नाम पे लोग बहुत एडल्ट मूवीज़ इंडिया में भी शूट करने लगे हैं, आप लोगों को पता है अब वेब सीरीज़ का कल्चर इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे बहुत सारे बी ग्रेड सी ग्रेड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। बी ग्रेड सी ग्रेड भी नहीं बोलूँगा मैं तो उन प्लेटफॉर्म्स को, एकदम जेड ग्रेड बोलूँगा, जेड ग्रेड वाले प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं जो बोल्ड कंटेंट के नाम पे बहुत कुछ दिखा रहे हैं जो नहीं दिखाना चाहिए, बहुत घटिया घटिया कंटेंट हो गया उनका। उनका सिर्फ एक ही चीज़ है, पॉर्न इंडस्ट्री बना दी है उन्होंने इंडिया में भी, और भाई इंटरनेट के थ्रू आप सबको वो कंटेंट सर्व कर रहे हैं, देखना ना देखना आपके ऊपर है, क्योंकि अब इंडिया में भी ऐसा कंटेंट बनने लगा है। जी हाँ दोस्तों, अब इंडिया में भी ऐसा कंटेंट बनने लगा है, जो कि मुझे नहीं पता सही है या गलत है, आप लोग इस पर अपनी राय दे सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी जी हाँ, अगर रोकना ही है तो इन लोगों को भी आप रोक सकते हो, या फिर एक सर्टेन गाइडलाइन बना सकते हो कि इंटरनेट पे भी अगर आप लोगों को स्पेशली इंडिया में अगर बोल्ड सीन दिखाना है तो किस हद तक वो बोल्ड होना चाहिए। बाकी भाई आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता होगा। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको दबा देना ताकि वो सब्सक्राइब्ड हो जाए। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।